नमस्कार, अगर आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा और साथ ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो आइए बनाते हैं सबसे आसान तरीके से गाजर का हलवा। ये मैंने ग्रेटेड किए हुए गाजर लिए हैं। मैंने 750 ग्राम गाजर लिए थे, उसे अच्छे से धो के छिलके अलग कर लिया, फिर इस तरीके से कद्दूकस कर लिया था। और 750 ग्राम गाजर में से 100 ग्राम करीब छिलके वगैरह निकल गए। अब 650 ग्राम ये कद्दूकस किए हुए गाजर रह गई है। अब इसे मैं गरम कुकर में डाल देती हूँ। इस गाजर के हलवे को बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें हम दूध और चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसकी जगह मेरे पास कुछ मावे की बर्फियाँ रखी हुई है। कई बार हमारे पास मावे की बर्फियाँ बच जाती हैं, तो उसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये वजन में 225 ग्राम है। ये बर्फ़ी मावे की होनी चाहिए, इसकी जगह आप पेड़े भी ले सकते हैं। अब इस बर्फ़ी को टुकड़े टुकड़े तोड़ करके इस कद्दूकस किए हुए गाजर में डाल देती हूँ। बर्फ़ी में चीनी होने की वजह से इसमें गाजर के हलवे में चीनी की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दूध की जगह हम मावे की बर्फ़ी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब ये सारी बर्फ़ी इसमें डाल दी है। इसमें हमने दूध या पानी की ज़रूरत नहीं है डालने का, क्योंकि गाजर अपना खुद ही पानी छोड़ देगा। अब इसमें एक सीटी लगने तक हम इसे पकाएंगे, और एक सीटी लगने के बाद फ्लेम को बंद कर दिया है। जब हवा निकल जाए तभी हम इस कुकर को खोलेंगे। अब देखते हैं क्या हाल है इसका। अब देखिए बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इस बर्फ़ी और गाजर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हमने दूध और पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया, इस वजह से अभी से हलवा सूखा सूखा बन गया और काफ़ी तैयार हो गया है। कई बार हमें हलवा बनाने का मन होता है लेकिन दूध डाल के बनाने से उसको सुखाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन इस तरीके से बर्फ़ी डाल के बनाने से हलवा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। अब ये जो पानी सूख जाने के बाद मैं इसमें 3 से 4 कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। साथ ही मैं 3 टेबल स्पून देसी घी ले रही हूँ, इसे भी इस हलवे में डाल देती हूँ। अब इस देसी घी को अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए कंटिन्यूसली चलाते हुए हाई फ्लेम में और इसको अच्छे से भुनना है, और भुनने से हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ और इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, जस्ट कलर अच्छा आने के लिए ही मैंने डाला है। और ये टोटल गाजर का हलवा मैं कुकर में ही बना रही हूँ, इसके लिए ज़्यादा बर्तन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, और इसी में बहुत अच्छा बन जाता है। और देखिए काफ़ी हद तक भुन गया है। अब इसमें मैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, बादाम और पिस्ता डाला है, और इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इस गाजर का हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, और बहुत ईजी तरीका बताया है मैंने इसे बनाने का। अब मैं आपको इसकी टेक्स्चर दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हलवा बन के तैयार हुआ है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप भी इस गाजर के हलवे को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे नए इजी रेसिपी की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।